ठीक है, जहां तक बात समझ में आ गई तुम लोगों को कि अगर यार क्या कहते हैं, अगर ये इक्वेटर ट्रायंगल होगा तो अगर आप इसके तीनों मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो तीनों मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद भी जो फिगर बनेगी वो भी अपने आप में एक इक्वेटर ट्रायंगल ही होगी। सबको क्लियर है यहां तक का? अच्छा, इसका प्रॉपर फॉर्मेट देखो आप लोग कैसे करोगे एक बार। तुम लोगों ने अपने आप करा? ठीक है, तो यहां पर भी एक बार देख लो, देख करके समझ लो एक बार। एक बार मैं इंक डाल देता हूँ, जरा ऐसे कर देते हैं, इंक डाल लेता हूँ भाई एक बार। चलिए देखिए, समझ में आया था क्या हुआ? चलो ठीक है, तो देखो ऐसे करना सबसे पहले तो इसको। नाउ क्या आपको ट्रायंगल एबीसी दिखाई दे रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी, बच्चों ट्रायंगल एबीसी के अंदर कुल मिलाकर के कितने मिड पॉइंट्स है? तो तीन मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तीन मिड पॉइंट है। लेकिन हम पता है क्या करेंगे, एक बार में सिर्फ दो ही मिड पॉइंट को कंसिडर करेंगे। समझ में आई बात की नहीं आई? वो कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिए। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ डी, अरे यार, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी एंड एसी, बीसी एंड एसी। डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी एंड ए बी, बीसी एंड ए बी। ई एंड एफ, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ठीक है ना, ए सी एंड ए बी। सबको क्लियर यहां तक का? वही तो लिखा है। चलिए देखिए, तो अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ूंगा तो पता है क्या होगा? इन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने पर होगा ये कि ये एसी के एबी के पैरेलल भी होगा और एबी के हाफ भी होगा। हम बस हाफ वाले से काम चलाएंगे, ठीक है ना, हम पैरेलल वाला भी लिख सकते हैं लेकिन अभी हमारे काम का नहीं है। तो डीई इज हाफ ऑफ एबी, लेकिन अगर तुमने ये लिख दिया है ना डीई इज पैरेलल टू एबी तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन हम इसका यूज करने नहीं वाले तो इसलिए बता रहा हूं, ठीक है यहां तक का? चलिए सेम टू सेम यहां पर ही बताइए कि डी एफ इज डी एफ, अच्छा डी एफ किसका हाफ होगा? ए सी का। डी एफ इज हाफ ऑफ ए सी। अच्छा एफ ई किसका हाफ होगा? एकदम सही, एफ ई हाफ होगा बी सी का। और इन सबका रीजन पता है क्या है? इन सबका रीजन, अच्छे से तुम्हारे कॉपी में जगह होगी वैसे, इन सबका रीजन आप लिखिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सबको यहां तक क्लियर है? अब हम यहां पे लिखेंगे नाउ, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी। लेकिन अगर आप ट्रायंगल एबीसी को थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो ट्रायंगल एबीसी का एबी जो है वो एसी के बराबर है और एसी जो है वो बीसी के बराबर है। यहां तक क्लियर है? क्यों क्यों? क्योंकि ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि वो किस तरह का ट्रायंगल? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए ए बी ए सी और बी सी बराबर होंगे। और अगर ए बी ए सी और बी सी बराबर होगा तो ऐसे कह सकते हैं ए बी का हाफ बराबर होगा ए सी के हाफ के और ए सी का हाफ बराबर होगा बी सी के हाफ के। क्या सबको यहां तक बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, तो ये रहा ए सी का हाफ बराबर में बी सी का हाफ बराबर में ए बी का हाफ। क्लियर यहां तक का? चलिए ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्या मैं एसी के हाफ के बदले लिख सकता हूँ डीएफ? तो यहां पर एसी के हाफ के बदले लिख दिया हम लोगों ने डीएफ। हम लोग क्या बीसी के हाफ के बदले लिख सकते हैं एफई? तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? एफई। क्या हम एबी के हाफ के बदले लिख सकते हैं डीई? तो यहां पर हमने लिख दिया क्या? डी। अब अगर आप ये छुटकू से ट्राइंगल देखो ना तो उसका डीई एफडी और एफई सभी बराबर है, तो देयरफॉर डीई एंड एफ, सॉरी डी ई एफ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हैंस प्रूव। बच्चों आपको समझ में आई यहां तक की बात? लेकिन यार मैंने इसका रीजन तो बताया नहीं कि यार हमने ये चीजें कहां से देखी, यहां से देखी ना। अब क्वेश्चन को यहां तक जो भी एग्जामिनर है या फिर जो भी आपके क्वेश्चन को देख रहा है उसको कैसे बोलोगे कि बेटा यहां जाकर के एक बार देख लो, कैसे बोलोगे उसको? बहुत सही तरीका, पता है क्या, अगर मेरे को किसी को यहां से यहां पर रीडायरेक्ट करवाना है तो मैं उसको पता क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा कि यार फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन आप देख लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे? फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड
थर्ड, तो मैं बोलूंगा कि यार पहला दूसरा और तीसरा इक्वेशन देख लीजिए जाके, एग्जैक्टली सेम बातें वहां पर लिखी जो कि मैंने यहाँ पर यूज करी है। क्या सबको समझ में आया यहाँ तक का? सबको बातें क्लियर हुई? अब आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 52 तक, क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 52 तक, ये जितने भी क्वेश्चन है आपको घर से कर करके लाने, ये सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम पे ही बेस्ड है, कोई भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। मेक श्योर कि आप इन सारे क्वेश्चन को करके लाइएगा, और मंडे को क्या करेंगे, अरे एक मिनट भाई, मंडे को ना इन्हीं क्वेश्चन के एक एडवांस वर्जन को देखेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन पहले जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे भैया, ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले। मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट दोनों ही बहुत आसान टॉपिक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, ये बुक किसकी है? क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के 52, चलो बच्चों ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाँ क्या स्क्रीन शॉट? अच्छा।